उन्नाव जनपद के पूर्वा मंडी समिति में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण के साथ बिजली दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मुआवजा राशि की चेक दी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा में ऑटो एनालाइजर और सेल काउंटर मशीन ऑटोक्लेव मशीन के साथ लेबर रूम और इमरजेंसी वार्ड का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर हमने देखा कि कई गरीब वहां गदगद थे, क्योंकि उनको जिनको जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास के रूप में अब घर बनाने के लिए आशाना बनाने के लिए चल गए। इस अवसर पर जो दुर्घटना से पीड़ित बिजली दुर्घटना से पीड़ित लोग थे उनको चेक भी दिया गया। इस मौके पर हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वा विधायक अनिल सिंह साथ साथ और भी लोग उपस्थित थे, जिसमें संजय शुक्ला नगर पंचायत अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं मोरावा से नवनीत शुक्ला भी उपस्थित थे। नवनीत शुक्ला आप बताया जाए कि मोरावा से पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में इनकी माता जी अध्यक्ष हैं नवनीत शुक्ला की, साथ साथ पूर्वा नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में राकेश गुप्ता उपस्थित थे। पूर्वा के जनपद उन्नाव के जिलाधिकारी रवि कुमार, SDM यानी पूर्वा के SDM पूजा विनोद सिंह, क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र त्यागी, अधिशासी अधिकारी मोरावा राजाराम जी और पूर्वा अधिशासी अधिकारी रेणु यादव भी उपस्थित थे। वहीं इस पूरे माहौल को नियंत्रण करने में सोरामो थाना से राजेश कांत शुक्ला, मोरावा थाना प्रभारी के रूप में अमित कुमार तोबर और पूर्वा कोतवाल के रूप में भारी के साथ साथ भारी पुलिस बल भी उपस्थित था। भाजपा कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति इसमें रहे रमेश चंद्र वाजपेयी, ब्रजेश सिंह नंगू, अनूप चौरसिया, संतोष शुक्ला, शिवकंठ त्रिपाठी, अतर सिंह, सुशील दीक्षित सहित हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस योजना में का घर बनाया जाना, जिसके पास जमीन है वो अपनी जमीन पे बनाएगा, जमीन की व्यवस्था करेगा। किसी आदमी की जरूरत की बात नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की योजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है।